सिर्फ सच। संस्कारधानी जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद द्वारा प्रतिवर्ष गदा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस वर्ष ये गदा यात्रा अपने एक अनूठे कार्य के लिए जबरदस्त चर्चाओं में रही। गदा यात्रा के दौरान हिंदू सेवा परिषद द्वारा एक मुस्लिम युवक को हिंदू बनाया गया। गदा यात्रा के दौरान मुस्लिम युवक सज्जाद खान को हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत संत राजू दास ने बाकायदा हिंदू धर्म में प्रवेश कराया। आज हिंदू सेवा परिषद की इस गदा यात्रा में आने का अवसर मिला। मैं पहले जबलपुर के सभी राम भक्तों को आशीर्वाद देता हूं, हिंदू नववर्ष और रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना बधाई। हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर भव्य यात्रा था और हिंदू सेवा परिषद जिस प्रकार से सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कार्य कर रही है, इसके नाते मंगल कामना और आशीर्वाद। अभी एक इस मंच पर घटना हुई, एक मेरा मित्र, एक मेरा भाई सज्जाद खान जो सनातन में घर वापसी किया है, आज उनका नाम हमने इस मंच पर सेमी ठाकुर रखा है और रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखा गया है। रोमी ठाकुर आज उनका नाम रखकर सनातन जो सदैव सर्वे भंतु सुखना सर्वे संतु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ कार्य करती है, काम करती है और पूरे विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है या परिकल्पना है और सनातन के प्रति हाव भाव और झुकाव सभी व्यक्ति का है। आज आप सनातन धर्म में आए हैं? मुस्लिम धर्म, सनातन धर्म में आज गुरु जी की कृपा से आए सनातन धर्म। हमें पसंद है इसलिए हम आए, पसंद होने की वजह से आए हम, तो मोटिव नहीं लेके आए हम, अपने आप मन से आए। कोई दबाव नहीं है, हमको किसका दबाव होगा, हम भारत के निवासी, हमको किसी का दबाव नहीं होगा, हम खुद से आए, हमारी मर्जी से आए। हिंदू सेवा परिषद द्वारा मुस्लिम युवक की घर वापसी कराते हुए उसे सज्जाद खान से रोमी ठाकुर बनाया गया। इसके पहले शहर में बकायदा गदा यात्रा निकाली गई जिसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग मौजूद रहे। जय श्री राम के नारों से गूंजते हुए गदा यात्रा का भव्य नजारा रहा। बताया गया है कि जिस युवक की घर वापसी कराई गई है वो जबलपुर निवासी ही है। पिछले कई सालों से सज्जाद का हिंदू धर्म के प्रति झुकाव बना हुआ था जिसकी गदा यात्रा के दौरान मुराद पूरी हो गई। सिर्फ सच।